हाय गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो है अपाची एक्टर 180 BS6 के बारे में। लेकिन भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है कि आप में से कितने सारे लोग अभी भी अपाची एक्टर 180 के लिए एक्साइटेड हो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बाइक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एनीवे, अपाची 180 BS6 की बात करें तो TVS की ऑफिशियल वेबसाइट में एक बाइक लिस्ट हो चुका है, जहाँ पर इस बाइक की प्राइस एंड फीचर सब कुछ रिवील हो चुका है। लेकिन भाई, ये बात सोच के मैं हैरान हूँ कि TVS ने इस बाइक को लॉन्च करने के लिए कोई भी लॉन्च इवेंट क्यों नहीं रखा। लगता है कि TVS कोरोना वायरस की वजह से ही कोई लॉन्च इवेंट नहीं रखा। एनीवे, लुक एंड डिजाइन की बात करें तो ओल्ड मॉडल के कंपेयर में न्यू BS6 के अंदर आपको लुक एंड डिजाइन के मामले में उतना खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राफिक्स आपको भर भर के मिलेगा। मतलब टैंक के ऊपर ग्राफिक्स, इंजन काउल के ऊपर ग्राफिक्स, साइड पैनल के ऊपर ग्राफिक्स। और फीचर्स की बात करें तो इंजन आपको मिलेगा 180cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो है GTT टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब ओल्ड मॉडल की कंपेयर में BS6 के अंदर आपको मिलता है एयर कूलिंग की बदले ऑयल कूल। और GTT टेक्नोलॉजी की मेन जो फायदा है कि इससे आपको मिलेगा ज्यादा माइलेज और ज्यादा पावर। और पावर फिगर्स की बात करें तो ओल्ड मॉडल की कंपेयर में न्यू BS6 के अंदर आपको थोड़ा पावर ज्यादा मिलेगा। मतलब मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16.8 PS जो 8500 RPM के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 15.5 Nm जो 7000 RPM के साथ। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 270 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक, और रियर साइड में आपको मिलेगा 200 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक, उसके साथ ही सिंगल चैनल ABS जो है सुपर मोटो ABS के साथ। इसके अलावा TVS ने इस बाइक के अंदर एक न्यू फीचर दिया है, जो है साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच। मतलब जब तक आप अपने साइड स्टैंड को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क, और रियर साइड में आपको मिलेगा 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सॉक्स। टायर की बात करें तो इस बाइक की दोनों साइड में आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर, जिनमें फ्रंट टायर का साइज है 90x90 जो आता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, और रियर टायर का साइज है 110x80 जो आता है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। बाइक डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2085 mm का, ओवरऑल विड्थ है 730 mm का। सीट हाइट की बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 790 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। वेट की बात करें तो इस बाइक की वेट है 130 kg। एडिशनल फीचर्स और माइलेज की बात करें तो इस बाइक की माइलेज के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओल्ड मॉडल के कंपेयर में माइलेज आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एडिशनल फीचर्स आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड क्रश गार्ड, सेमी डिजिटल कंसोल, हैलोजन हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, पायलट लैम्प, 5-स्पीड गियर बॉक्स, 2-लीटर फ्यूल टैंक। तो आप बात आते हैं प्राइसिंग की। इस बाइक के अंदर आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस है 1,01,000 rupees एक शोरूम, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। क्योंकि अगर आप देखो तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलता है 160cc का, 150cc का बाइक। उससे तो अच्छा है कि TVS ने दिया है इस प्राइस रेंज के अंदर 180cc सेगमेंट की बाइक। तो गाइस, आपको क्या लगता है TVS Apache 180 BS6 की प्राइस? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बाइक के ओवरऑल फीचर्स आपको कैसा लगा। आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।